नमस्कार, मैं हूँ शर्बानी मुखर्जी। ये हमारा दुर्गा पूजा है जो आज से शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस है, नोन एज मुखर्जी पूजा। आइए मैं आपको सैर करा दूँ हमारे पूजा की, आइए। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा मंदिर का आज थीम है इस साल, और हमारे जो आर्टिजन्स जो किए हैं वो कलकत्ता से किया हुआ है। तो आप अंदर आके देखिए, ऐसे मूर्ति ऐसे बनी हुई है। ये नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा चैरिटेबल ट्रस्ट का है, आइए। यहाँ पर स्कल्पचर टाइप दिखाया हुआ है जो कि डांसिंग है, और अलग अलग किस्म के जो कि हमारे भारतीय जो संस्कार है, संस्कृति है, उसी हिसाब से किया हुआ है, आइए। ये हमारी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है टेलीविजन की, शुमोना, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो ये क्या कहना चाहेंगे पूजा के बारे में? अगर बात करें पूजा के बारे में अश्विनी तो बोलते हो, एक ऐसा फेस्टिवल है कि पूरे पूरे बॉम्बे के, क्या पूरे बंगाली एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक तरह से। ये एक जगह पिछले 3-4 साल से मैं यहाँ पे एक परमानेंट फिक्स्चर हो गया है, और मैं कहीं और नहीं जाती हूँ। एंड इट्स दिस इज आई डोंट मिस कलकत्ता पूजा और एनीथिंग, बट दिस इज फैमिली। बोलते हैं कि घरुआ पूजो, एंड दिस इज लाइक रियली वन बिग फैमिली। द नंबर ऑफ काकाज एंड काकूज आई हैव मेड हियर इज रियली नॉट फनी। ये कितना पुराना इतिहास अगर बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है? जी जी बिल्कुल, इट वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर एस मुखर्जी और मेरी ग्रैंडमदर सती रानी मुखर्जी, और तब से चला आ रहा है। इसमें खास अट्रैक्शन क्या होता है भाई, बात करें तो, क्योंकि इसमें सब सेलिब्रिटी आते हैं, सब सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का बनाया हुआ सब पंडाल है। कारीगर कहाँ से बुलाते हैं, क्या है? कारीगर हमारे कलकत्ता से आते हैं, और उन्होंने मतलब 2-3 महीने पहले आकर हमारा जो माँ का मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। इसका प्लानिंग तो हम इस साल से शुरू करते हैं, 1 साल पहले, कि हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या डिज़ाइन होगा, किस हिसाब से चीज़ें होंगी, जो कि मेरे चाचा देव मुखर्जी पूरा प्लान करते हैं, और उन्होंने ही मतलब सब जिम्मेदारी सबको देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक्चुअली क्वाइट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू देव मुखर्जी, हमारे सरकारदा हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं जैसे फंड्स कलेक्ट करने के लिए, नवनीता हैं जो कि बहुत बहुत ही एसेंशियल है कि आप इस किस्म का पूजा इस स्केल पर करें तो आपको फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो वैसे भी काफ़ी मेंबर्स कोशिश करते हैं कि डोनेशंस के तौर पर या एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पर, एंडोर्समेंट्स के तौर पर हम यहाँ हेल्प करें। शुमोना भी इंडोर्स कर रही है इसमें। तो बात करें कलाकृति की, जो मूर्तियाँ हैं कैसी लगी आपको अगर बात करें? आई थिंक नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा मूर्ति हैज ऑलवेज बीन मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि बंगाली में बोलते मुखंडा भीषण मिष्टी, इट्स अ बहुत ही प्यारा स्वीट मदरली फेस, प्लीजिंग मदरली फेस, यस। सो आई ऑलवेज फील वेरी लाइक आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। आपने माता से क्या मांगा? मांगा कुछ भी नहीं है, मैंने हर साल में कोशिश करती हूँ सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलूँ, जो पूरे साल में जितना कुछ मिला है बिना मांगे। आई ऑलवेज थैंक आई डोंट रियली आस्क। क्या आप कुछ परफॉर्म भी करने वाले हैं, कल परफॉर्मेंस है? नहीं, आज हमारे ऑडियंस नहीं, आज हमारे मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, एंड शी इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। वो हर साल करती है और इस साल भी करेंगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करके छोड़ेंगी, वो छोड़ नहीं पाएगी। हमारा स्टेज एक्चुअली सालों से बहुत ही लकी माना गया है, और काफ़ी आर्टिस्ट जो शुरुआत करते हैं अपने करियर का यहाँ से शुरुआत किया हुआ है, और बाकी आगे जाकर आप देखोगे दे बिकम वेरी फेमस माँ की दुआ से। शुरुआत की बात करें, और कौन से कलाकार हैं जो आपने बताया यहाँ से शुरुआत की है? काफ़ी हेमंत मुखर्जी हैं, मतलब मेरे बहुत पहले से, मतलब किन किन का नाम गिनाऊं? इसकी आर्ट की अगर बात करें, आप अंदर तक पूरा ऐसी पंडाल बनाया है जी। इस बार कॉन्सेप्ट तो आप देख सकते हो, इसे स्क्रिप्चर्स का है, स्कल्पचर्स का है, और शैंडेलियर लगा हुआ है इस साल हमारा। लाइटिंग भी किया गया अभिषेक बोस ने, जो कि हमें हर साल हेल्प करते हैं। तो ये हमारा शैंडेलियर आप देख सकते हो इस साल। और जहाँ तक माँ का सवाल है, तो हमारे जैसे कलकत्ता से आर्टिजन आते हैं अमित दा, तो हमारे माँ का मूर्ति जो है सेम रहता है, बट इस बार आई थिंक हमारा सबसे बड़ा मूर्ति रहा है, 18 फुट का मूर्ति। और आइए मिलते हैं माता से, आप ऊपर नहीं चढ़ सकोगे। अच्छा प्लीज़। हाँ, तो ये हमारी गणेश जी हैं, लक्ष्मी हैं,
माँ दुर्गा, माता सरस्वती और कार्तिक ठाकुर। मूर्ति में क्या दर्शाया गया अगर बात करें? ये दुर्गा का तो मतलब जो स्टोरी है वो तो सभी जानते हैं, जो कि महिषासुर असुर को मार डालती और बहुत ही काफ़ी जंग होने के बाद तो विक्ट्री के तौर पर ये मूर्ति है। आपके अगर कैरियर की शुरुआत करें तो आपने क्या मांगा देवी से? मैं एक्चुअली कुछ मांगती नहीं, उनका ब्लेसिंग हमेशा रहता है और जैसे हमारे परिवार का पूजा है तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग होता ही है कि आप श्रद्धा से करते हो, निष्ठा से करते हो, बस वही है। इसमें आप रानी के परिवार से जुड़े हैं, ये पूरा परिवार यहाँ पे सब इकट्ठा होता है? मुखर्जी परिवार बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मतलब कभी कभार भूल जाते, इतने सारे हैं। डेफिनेटली काजोल, रानी, मैं, हम सब एक ही परिवार के हैं। तो मुखर्जी गर्ल्स जैसे आप कह सकते हो, आयन है जो मेरा भाई है, राजा है, सम्राट है, सिद्धार्थ है, तो ये अब का जनरेशन है। जैसे कि अगर बात करें मूर्ति, जैसे गणपति की मूर्ति हर साल कुछ ना कुछ नया लुक रहता है, इस बार आपने क्या अट्रैक्शन के क्या लुक दिया अगर बात करें? इस बार हमने माता को बंगाली साड़ी पहनाया है, उनका थोड़ा सजावट थोड़ा अलग किया है। हम चाहते हैं कि हर एक साल सजावट थोड़ा अलग अलग करें, बट माता का जो फेस है, जो कहते हैं, वो सेम है, उनकी आँखें बोलती हैं हमसे, तो कहीं ना कहीं हमने वो सेम रखा हुआ है। मतलब 9 दिन जो है पूरा मंगल, 9 दिन हम लोग पांचवे दिन से शुरू, पांचवे दिन से स्टार्ट करते हैं, पंचमी, आज पंचमी है। और क्या कहना चाहेंगे अपने बंगाली? मैं चाहती हूँ कि सब आए यहाँ पर दर्शन करने और ब्लेसिंग्स लेने, और हम खुश होंगे, हमारा पूजा सब सबके लिए वेलकम है। प्लीज़ कम फॉर अ पूजा। थैंक यू।